गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अण्डान्तरस्त परमाणुचयान्तरस्थं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितदियो मनुजास्तथैव संप्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तस्तदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमतेर्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दत्वकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलतद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पञ्चासु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदतिम्य विचिन्त्य तस्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अण्डान्तरस्त परमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितदियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तस्तदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमतेर्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम् यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सियाराम।
सांदीपनी के आंगन में आप सभी का हम प्यार भरा स्वागत करते हैं। आज गीता जयंती के पावन अवसर पर श्री सांदीपनी विद्यानिकेतन में भगवान श्री हरि की प्रेम सन्निधि में ढोलकिया परिवार के प्रेमपूर्ण मनोरथ के चलते परम पूज्य भाई श्री के व्यासासन से हम सभी पूज्य भाई श्री के श्री मुख से दिव्य श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन का रसास्वादन करने जा रहे हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है और सांदीपनी परिवार अपने ही परिवार के सभी सदस्य ढोलकिया परिवार के सभी प्रिय स्वजनों का आप सभी भगवदीय जनों का हम प्यार भरा स्वागत करते हैं। आप ही का घर है और आप ही के घर में आए हैं और श्री हरि की छत्र छाया में हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। हम ऐसे स्थान में बैठे हैं जहाँ पर श्री हरि के चरण हम सभी के मस्तक पर विराजते हैं और सबसे बड़े आनंद की बात ये है कि पूज्य भाई श्री के श्रीमुख से हम अब लगातार 7 दिनों तक प्रतिदिन सायं सत्र में श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन श्रवण करने वाले हैं। ये हम सभी का परम सौभाग्य है। तो अब आज के दिवस विशेष का आरंभ हम सांदीपनीय परंपरा के अनुसार करें मंगलमय दीप प्रज्वलन के साथ। मैं हमारे ढोलकिया परिवार के सबसे बड़े आदरणीय श्री अर्जुन भाई ढोलकिया जो अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, साथ में घनश्याम भाई शंकर, श्री दिनेश भाई ढोलकिया, श्री रमेश भाई सलिया एवं श्री दीपक भाई पालड़िया, सभी से निवेदन करता हूँ परिवार के सभी आप मंच पर पधारे और मंगलमय दीप प्रज्वलन करेंगे। साथ में जिनके प्रेमपूर्ण मनोरथ के चलते यह गीता ज्ञान यज्ञ यहाँ पर संपन्न हो रहा है, ऐसे हमारे स्वर्गीय परबत भाई ढोलकिया का परिवार पूरा यहाँ पर उपस्थित है। भगवदीया वाली माँ और परम भगवदीय श्री प्रभु भाई, उनकी धर्मपत्नी भगवदीया रीनल बहन एवं सभी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप परिवार जनों की ओर से आरंभ में मंगलमय दीप प्रज्वलन होगा। मैं श्री सांदीपनी विद्यानिकेतन के ऋषि कुमारों से निवेदन करता हूँ मंगलमय वेद मंत्र गान के लिए यहाँ पर मंच पर पधारे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। मनोरथी परिवार के सभी परिवारजन यहाँ पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा मंगलमय दीप प्रज्वलन हुआ। और अब मैं श्री सांदीपनी विद्यानिकेतन के ऋषि कुमारों से निवेदन करता हूँ कि आरंभ में पंचायतन देवता के वैदिक मंत्र का यहाँ पर आकर उच्चारण करें। हमारी सांदीपनी या परंपरा के अनुसार उनके द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार का यहाँ पर गायन किया जाएगा। हरिः ॐ गणानन्त्वा गणपतिगुहवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपतिगुहवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिगुहवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिकें बालिके नमा नयति कश्चन सस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानि दधे पदम् समूढमस्य पाभुसुरे स्वाहा। हरिः ॐ
आज से हम सभी गीता ज्ञान यज्ञ में जुड़ने जा रहे हैं। तो आरंभ में जो बीज पूज्य भाई श्री ने अभी कुछ समय पूर्व सूरत में भगवदीय श्री गोविंद भाई ढोलकिया के शुभ संकल्प से वहां पर उनके 5000 से भी अधिक जो रत्न कलाकार है उनके परिवार को श्रवणार्थ और स्वयं के परिवार को श्रवण के लिए उन्होंने दिव्य कथा का आयोजन किया था। और वहां पर पूज्य भाई श्री ने एक बीज बोया था परिवार में कि परिवार के बड़े भी श्लोक बोले और परिवार के बालक भी श्लोक बोले। तो आज वो बीज अब धीरे धीरे वृक्ष बनता जा रहा है। तो आज के प्रथम दिन आरंभ में ढोलकिया परिवार के कुछ बालक यहाँ पर आएंगे और उनके द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों का पारायण किया जाएगा। तो मैं उनको यहाँ पर मंच पर बुलाता हूँ। नीव प्रभु भाई ढोलकिया, दीव प्रभु भाई ढोलकिया, द्रोण ईश्वर भाई ढोलकिया और शान अक्षर भाई ढोलकिया, चारों बच्चे यहाँ पर आएंगे और उनके द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों का यहाँ पर पारायण किया जाएगा। एवं सतत युक्ताय भक्ता स्वाम पर्युपासते ते चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवितमः। श्री भगवान उवाच मह्यावेश्य मनो एव नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयुपेता स्ते मे युक्ता तमामता। ये त्वक्षर मनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ढोलकिया परिवार के बालकों के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों को यहाँ से बोला गया और इन्हीं श्लोकों के साथ आज के मंगलमय दिवस का आरंभ हुआ। और अब मैं वैसे तो हमारे ढोलकिया परिवार के सबसे बड़े भगवदीय श्री गोविंद भाई ढोलकिया, जिनको हम सभी भगत जी और काका दोनों नाम से हम जानते हैं और सभी के हृदय में जिनका बड़ा ही आदरपूर्ण स्थान है, प्रेमपूर्ण स्थान है, वे आज हमारे साथ जुड़कर आरंभ में अपने विचार रखने वाले थे लेकिन कुछ व्यस्तताओं के चलते आज वे हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जूम रूम में हमारे साथ उपस्थित है। तो मैं आरंभ में श्री अर्जुन भाई ढोलकिया से निवेदन करूँगा कि वे यहाँ मंच पर पधारे और आरंभ में हम सभी का स्वागत करेंगे और कुछ विचार अपने 2-3 मिनट में हम सभी के बीच में रखेंगे। आदरणीय श्री अर्जुन भाई ढोलकिया। श्री लक्ष्मी नारायण देवानी जय। निज मंदिर मां विराजमान प्रगट श्री लक्ष्मी नारायण देव तथा पूज्य भाई श्री तथा श्रोतागण, अमारा आमंत्रण ने मान आपीने पधारेला सर्व महानुभावो, अमारा जमाई जमाईना वेवाय तथा देश विदेश थी आवेला सर्व मेहमान नु हार्दिक स्वागत करूँ छू। गीता हिंदू धर्मनो आखो पायो छे ए आप बधा जाणो छो के स्वामी विवेकानंद ज्ञाता अने एने साबित करी बतायु। एम मोटा भाई पद्मद भाई ने पण गीता उपर अनहद प्रेम हतो अने ई प्रेम पासो मोटा भाई गोविंद भाई मां उतर्यो। परबत भाई ने हालता सालता एक जातनू तीरथ हतू, परबत भाई एटले तीरथ,
જંગમ તીરથ કહેવાય ભાઈ શ્રી, આ જંગમ તીરથ હતું. એ બધાને હાલતા ચાલતા માળા પહેરાવી દે, માળા આપી દે, કંઠી આપી દે, આપી દે. ત્યારે એ ઘણી વાર વાડી અમને શીખવાડતા, ગીતા ગંગા ગાયત્રી સીતા સીત્યા સરસ્વતી બ્રહ્મ વિદ્યા બ્રહ્મવલ્લી દિ સંધ્યા મુક્ત ગેહિની અધર માતા સિદ્ધાનંદા ભવંદરી ભવનાશિની વેદત્રય પરાંતા, એ બધું બોલતા. એમાં થોડું ઘણું આટલું યાદ રહ્યું છે. એટલે ભાઈની બહુ મહાનતા હતી. અને એના આ કુદરતી કર્મ છે આખો, એને ગીતામાં પ્રેમ હતો એટલે ભાઈ શ્રી બોલ્યા. અને આપણા ભાગ્યમાં હતું એટલે બધું ભગવાનની દયાથી આ થઈ ગયું. અને ભગવાન પરબતભાઈના પણ આત્માને શાંતિ આપે. અને બધું પરબતભાઈ સાંભળતા બી છે એવું લાગે છે. તો આ સમયે જે અમને ભાઈશ્રીએ લાભ આપ્યો બોલાવીને, તે પણ ખૂબ ખૂબ ભાઈશ્રીનો આભાર અને અભિનંદન છે. જય રામજી કી જય, સ્વામિનારાયણ. ખૂબ ખૂબ આભાર અર્જણભાઈ. અને હવે આપણા આ ગીતા યાત્રાના મનોરથી સ્વર્ગીય શ્રી પરબતભાઈ ધોળકિયા અને એમના સુપુત્ર શ્રી પ્રભુભાઈ ધોળકિયા પણ અહીંયા આવી અને એમના જે મનના વિચારો છે એ બે મિનિટમાં આપણા સૌની વચ્ચે મૂકશે. નિર્માન મોહા જીત સંગ દોષા અધ્યાત્મ નિત્યા વિનિવૃત્ત કામા દંદૈર વિમુક્તા સુખ દુઃખ સંગેર ગચ્છંત્ય મૂઢા પદમાવ્યયમ તત્. જેવી રીતે આ શ્લોકમાં નિર્માન મોહા અને જીતસંગ દોષ એમ નિર્માનથી માનથી પર અને મોહથી પર એવા ભાઈશ્રીના મુખે જે આજે ગીતા જ્ઞાન થવા જઈ રહ્યું છે, આ ગીતા જ્ઞાનનો જે આપણને આજે લાઈવ લાભ મળી રહ્યો છે, કારણ કે આ લોકડાઉનના સમયમાં કથા કરવી ને એ જ પહેલાં તો અલગ વાત હોય, એમાં બી આપણે સામે બેસીને સાંભળી શકીએ એ એક અલગ અનહદ લાવો હોય. તો આ આવા ટાઈમમાં ભાઈશ્રીએ આપણને આ મનોરથી કાર્ય પૂર્ણ કરવા અહીંયા બોલાવ્યા. ભાઈશ્રી ખરેખર અમે છે ને ગીતાના ઉપાસક બધા, ગોવિંદ કાકાને ગીતા બહુ જ પ્યારી. નાનપણથી કાકા અમને પકડી પકડીને કાન પકડીને બી એક એક બે વખત બેસાડે બે કલાક અને શ્લોક શીખવાડતા. અમે ઘણા બધા શ્લોકો અને ઘણા બધા અધ્યાયો કંઠસ્થ કર્યા છે, પણ અધ્યાય બધાના અર્થ ન આવડતા હોય પણ બધા શ્લોક ઘણા ખરા બધાને આવડે છે. અને અમને નહીં પણ અમારી નાની સુધી પેઢી સુધી કાકાએ આ ગીતા પહોંચાડી છે. એટલે અમે ગીતાના મનોરથી, અમને ગીતા જ ગમે, અને ભાઈશ્રીના વચનોથી આ ગીતા જ્ઞાનનો આજે જે આપણા ધોળકિયા પરિવારને જે લાભ મળવા જઈ રહ્યો છે એ માટે ભાઈશ્રીના ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમે અમને સ્પેશિયલી, કોઈને આ બીજા કોઈને આ લાભ ન મળ્યો, સાંદીપની આશ્રમમાં મહેમાન ગતિ કરવા ભાઈશ્રી આપણને બોલાવ્યા. બાકી આપણે ઓલવેઝ ભાઈશ્રીને મહેમાન ગતિ કરાવતા હોઈએ, તો એમાં આવા અમારા સદભાગ્ય અને અહોભાગ્ય જેટલા પરિવારના અમે મેમ્બરો અહીંયા આવી શકીએ અત્યારે જેટલા આવ્યા છે એ બધાનું સ્વાગત, અને હજી જેટલા આવશે એ બધાને પણ આ ગીતા જ્ઞાનનો સારો લાભ મળે અને ભાઈશ્રીનું સાનિધ્ય મળે. એ સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ. આદરણીય શ્રી પ્રભુભાઈ ધોળકિયાએ પોતાના મનોગત વિચારો અને ભાવોને આપણા સૌની વચ્ચે મૂક્યા. અને હવે આવો આપણા સૌનો ઇંતજાર, આપણા સૌની પ્રતીક્ષા, જ્યારથી આ વાતનો આરંભ થયો કે આપ સૌ અહીંયા સાંદીપની આવવાના છો અને પૂજ્ય ભાઈશ્રી આપણને સૌને દિવ્ય શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીવડાવવાના છે, ત્યારથી એક ઉત્સુકતા આપણા સૌના હૃદયની અંદર હતી, એક ઉત્કંઠા હતી. અને એ પ્રતીક્ષા આપણા સૌની, એ આપણા સૌનો ઇંતજાર હવે પૂરો થવા જઈ રહ્યો છે. પૂજ્ય ભાઈશ્રીને આપણે સૌ સાથે મળી અને પૂજ્ય ભાઈશ્રીના શ્રી ચરણારવિંદમાં પ્રણામ સાથે પ્રાર્થના કરીએ. પૂજ્ય ભાઈશ્રી કૃપાપૂર્વક જેમ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને ગીતારૂપી અમૃત પીવડાવ્યું, બસ એ જ ભાવથી આ જીવન છે એ કંઈ કુરુક્ષેત્રના મેદાનથી કમ નથી.
અને જેમ અર્જુનને પણ કોઈ માર્ગ નહોતો મળતો એમ આપણને પણ ક્યારેક ક્યારેક જીવનમાં માર્ગ નથી મળતો, તો આપણે પણ જેમ અર્જુને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું શિષ્યસ્તેહમ સાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ, એમ આપણે પણ એ જ ભાવથી પૂજ્ય ભાઈશ્રીના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ અને પૂજ્ય ભાઈશ્રી ભક્તિ પીઠિકા પરથી હવે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પાંચજન્ય શંખનો નાદ કર્યો અને ગીતાનું અમૃત અર્જુનને પીવડાવ્યું, બસ એ જ રીતે પૂજ્ય ભાઈશ્રી મહાસ્વન નાદ સાથે આપણને સૌને દિવ્ય ગીતાનું આ અમૃત પીવડાવશે. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, સૌને પ્રણામ. વસુદેવસુતં દેવં
કંસ ચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુમ ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુસાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે શ્રી દ્વારકાધીશ કી જય યોગેશ્વર ભગવાન કી જય સદગુરુ દેવ કી જય ઓ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ Govinda
કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ 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 કૃષ્ણ ગોવિંદ प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टा रमेश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् श्रीवृन्दावनविहारी परम कृपालु भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपने श्रीमुख से गाया हुआ गीत जिसको हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। भगवान श्री हरि के सानिध्य में उस वाणी पर आज गीता जयंती के पावन दिवस से प्रारंभ करके 7 दिन पर्यंत हमको विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज प्रातःकाल भी भगवान श्री हरि के सम्मुख संपूर्ण 18 अध्याय भगवद गीता के उसका पाठ किया गया और आज गीता जयंती से ही प्रारंभ करके हम 7 दिवस पर्यंत स्वाध्याय करेंगे। विश्व का ये एकमात्र ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, पार्टियां करते हैं, बच्चों को तो विशेष आनंद आता है, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है कह करके बड़े उत्साह के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत लोगों का प्यार प्राप्त होता है, एक स्पेशल डे होता है उनके जीवन में, वे बहुत एंजॉय करते हैं। हम जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती जाती है हम फिर वो जन्मदिन वाला उतना नहीं रहता आकर्षण,
लेकिन फिर हम अपनी जिंदगी के जो महत्वपूर्ण पड़ाव है, जैसे कि 50 साल हो गए, जैसे कि 75 साल हो गए, तो कभी गोल्डन जुबली ईयर मना लिया, कभी अमृत महोत्सव कहते हैं उसको, वो मना लिया 75 साल पर, और कोई शतायु बन गया तो फिर हम शताब्दी उत्सव भी करते हैं। लेकिन हम अपने महापुरुषों की जयंती को जरूर मनाते हैं या उनकी पुण्यतिथि को भी मनाते हैं। अपना सदगुरु है, अपने साधु संत है, महात्मा है, उनकी पुण्यतिथि को भी मनाया जाता है। आचार्य महापुरुषों की जयंती को भी हम खूब मनाते हैं कि आज आद्य शंकराचार्य भगवान की जयंती है, कि आज श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जयंती है, कि आज श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती है, कि आज सहजानंद स्वामी महाराज की आदि आदि महापुरुषों की जयंती को भी हम मनाते हैं। भगवान के प्रागट्य का दिवस तो हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और उस दिन व्रत भी रखते हैं, जैसे रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, वामन जयंती, नृसिंह जयंती इत्यादि। लेकिन किसी ग्रंथ की जयंती, कोई पुस्तक की जयंती मनाया जाता हो, ऐसी अनूठी और विशेष बात भगवद गीता से संबंधित है। ये एक ऐसी पुस्तक है कि उसकी जयंती मनाई जाती है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी गीता जयंती, योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से आज ये अमर वाणी प्रस्फुटित हुई। एक ऐसा ग्रंथ जो वैश्विक है, दो बातें मुझे भगवद गीता के विषय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। वो एक बात तो यह है कि गीता में कहीं श्री कृष्ण उवाच नहीं है, श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी ये किसी व्यक्ति की वाणी नहीं है, भगवत्ता को जो प्राप्त हुई है परम चेतना, उनकी वाणी है। और इस तरह से भगवत्ता को प्राप्त जो भी चेतनाएं हैं विश्व में, निश्चित रूप से उनकी वाणी बड़ी कल्याणकारी है सबके लिए, सभी के लिए। और इसलिए श्री भगवान उवाच, यही पूरी भगवद गीता में लिखा, ये भगवान की वाणी है। भगवता गीता, भगवद गीता, ये भगवान के द्वारा गाया गया गीत है। उपदेश भी गीत के रूप में है, संगीत गीत जो तुम्हें एनलाइटन करे, तुम्हें प्रकाश से भर दें। और दूसरी बात, क्योंकि भगवान ने गाया है ये गीत, इसलिए भगवान सबका एक ही है। उसके नाम भले ही अलग अलग हो, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती,
ईश्वर अनेक नहीं हो सकता। बर्तन सब न्यारे भय, पानी सब में एक। उसी प्रकार ये सब संप्रदाय धर्म मजहब सब न्यारे भय, लेकिन वो जिस तत्व की बात करते हैं वो तत्व एक ही है। श्रीमद् भागवत की भाषा में कहूं तो वदन्ति तत्त्व विदस्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। वही तत्व है जिसको वेदांती ब्रह्म कहते हैं, योगी ईश्वर कहते हैं, भक्त लोग भगवान कहते हैं। वही तत्व है। इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड, किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित सबके कल्याण की बात भगवान ने बताया है भगवद गीता में। इसलिए पूरी भगवद गीता आप पढ़ लो, एक भी जगह हिंदू शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यानी संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए है ये, ऐसी यह भगवद गीता वैश्विक ग्रंथ है। बहुत वर्ष पूर्व भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए ऐसी एक चर्चा चली थी हमारी स्वर्गीय जिनकी जिह्वा पर सरस्वती नृत्य करती रहती थी, हमारी पूर्व विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा जी, सुषमा स्वराज। हम दिल्ली में वहां फंक्शन था और तब भी ये चर्चा चली और मैंने वहां पर भी कहा था दिल्ली की उस सभा में, सुषमा जी और बहुत सारे देशों के एम्बेसडर्स थे वहां पर, कई संत महात्माओं की उपस्थिति थी, हजारों लोग थे। तब भी मैंने कहा कि क्योंकि वो एक बहस छिड़ गई थी पूरे राष्ट्र में कि भाई भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहां कोई धर्म विशेष का ग्रंथ वो राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं हो सकता। यहां तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वही राष्ट्र ग्रंथ है, आदि आदि बहुत सारी वो सब विवाद थोड़ा चल रहा था। तो मैंने वहां पर अपनी बात रखी थी कि आप राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने को लेकर कई लोग विरोध करते हैं। मैंने कहा राष्ट्रीय तो है ही है, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की क्या बात है, ये अपने आप में स्वघोषित वैश्विक ग्रंथ है। केवल राष्ट्रीय नहीं, वैश्विक ग्रंथ है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी विदेश में जाते तो कई लोगों को भगवद गीता भेंट करते। तो महात्मा गांधी बापू हो, विदेश के कई बार मैंने कथाओं में भी कहा है कि हेनरी थोरो जैसे लोग हो, या वर्तमान में भी अनेक लोग हैं जो भगवद गीता से इतना एक आदर रखते हैं, उनका लगाव है आदर से भी ज्यादा। कहते हैं हेनरी थोरो भगवद गीता को पढ़ते पढ़ते फिर जब एकदम प्रसन्न हो जाते तो अपने सिर पर भगवद गीता की पुस्तक रख करके नाचने लगते थे। तो किसी ने एक बार पूछा कि ये क्या तुम पागल हो गए हो, तो हेनरी थोरो ने कहा कि सच में पागल हो गया हूं, इस छोटी सी पुस्तिका ने मुझे पागल कर दिया है। क्यों? बोले मेरी जिंदगी में कोई प्रश्न ऐसा नहीं मेरे पास जिसका जवाब इस छोटी सी गीता से मुझे न मिला हो। केवल 700 श्लोकों की सप्तशती ये भगवद गीता जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करती है, जिंदगी का कोई पक्ष अछूता नहीं है इससे। फिर वो राजनीति की ही बात क्यों ना हो। आजकल स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, राइट, तो उसका भी समाधान भगवद गीता के पास। अब भगवद गीता को पढ़िए। तो ऐसा यह वैश्विक ग्रंथ,
भगवान के मुख से निकली हुई ये वाणी, उसका जादू आज भी बरकरार है, क्योंकि भगवत गीता की जयंती है और ये गीत मैं जरूर, मुझे बहुत पसंद है तो गुनगुनाता रहता हूं। आओ हम सब मिलकर के, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू सफाई चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ, चमन हमारा हरा हुआ, श्री कृष्ण तुम्हारा नंदलाल तुम्हारी गीता में, नंदलाल तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी, जब शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से घिर जाए, जब जब जीवन में शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से घिर जाए, तब ये thank you.
क्योंकि श्रुति धर्म के अनुसारी है, श्रुति धर्म के अनुसारी है, श्रुति धर्म के अनुसार ग्रंथ ने मां कहवाए गीता मैया की जय कहवाए ना। जो भी हमें दूध पिलाए, जो भी हमारा पोषण करे, हां मां है। बा पछी क्यारेक मासी ने धाव्या हो तो मासी बा जे पण पोषण करे खवड़ावे, फई बा सासु मां ये खवड़ावे, हरी हरी सेव बनावी लापसी बनावी ने ये खवड़ा, जे पोषण करे आपड़ू मां, गाय पण पोषण करे छे आपड़ू, गाय माता, धरती पोषण करे छे आपड़ू, धरती माता है ना, जे पण पोषण करे माता। भगवत गीता से भी हमारा आध्यात्मिक जो पिंड है, हमारा जो वैचारिक और भावात्मक पिंड है, उसका पोषण होता है। और हम केवल ये पांच भौतिक शरीर नहीं है, ये तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे विचार कैसे हैं, हमारी भावना कैसी है। विचार से आदमी पहचाना जाता है, भाव से आदमी की कीमत होती है। तो हमारे वैचारिक और भावात्मक हमारे पिंड को पोषण देने वाली ये मां है गीता माता। इसलिए जय भगवद गीते कहकर के हम आरती उतारते हैं, आरती अंत में जब करेंगे वही गाते। जो हमने श्लोक मंगलाचरण में गाया था, आप लोगों ने यदि ध्यान दिया हो, और तमे बधा तो गीताना बहु प्रेमी छो, वडिलोना समय थी तमने ये गड़थूथी मां संस्कार मळे छे,
अम्बत्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणिम्। अम्ब अम्ब એટલે हे माता, हे अम्ब, अम्बा मतलब माता, गीता को माता कहा। तो गीता ऊपर ना प्रवचन सांभळो ने એટલે आ माने धावो छो एम मानजो। आ मां तमने हैये लगाड़ी अने तमने दूध पीवड़ावे छे, आनाथी तमारू पोषण थशे, वैचारिक पिंड, तमारो भावात्मक पिंड पोषाशे। तो आज गीता जयंती के पावन दिन से हम प्रारंभ कर रहे हैं। स्वर्गस्थ पर्वत भाई का स्मरण हो रहा है। पता नहीं जब ये वाली बात जब आई, सप्त दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ की, वैसे मैंने कहा मैं हर महीना लॉकडाउन के समय में भी दरेक मास में एक सत्संग दूंगा, ये बात मैंने सभी से कही थी। देखो आज जूम पर भी हमारे देश विदेश के सभी जितने रेगुलर जो सत्संगी है, और बाकी तो लाइव पर हजारों हजारों लोग श्रवण करते ही हैं, और लाखों लोग संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे होंगे। तो मैंने कहा था कि हर मास में एक सत्संग हमें मिले, ऐसी भगवान श्री हरि से हम प्रार्थना करते हैं। कार्तिक में हमने विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पर सत्संग किया था 11 दिन का, वो भी कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरुआत करी थी और 11 दिन तक सत्संग किया था। ये बात अलग है कि हम केवल 103 नाम ही देख पाए, तो उसके भी पार्ट होंगे अभी आगे, और 3 और भी सत्संग होंगे, तब जाकर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पर, भगवान के 1000 नाम पर, और बड़ा मजा आता है। हमने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि इतना आनंद आएगा और सब लोग सुनने वाले भी इतना आनंद लेंगे। एक एक नाम भगवान को लेकर, भगवान के एक एक नाम को लेकर, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या भाव है, उसको लेकर के 11 दिवसीय सत्संग हुआ। और ये मार्गशीर्ष में भगवद गीता पर सत्संग, तो जब ये बात चली तो मेरे दिमाग में अपने आदरणीय गोविंद काका के द्वारा जो गाए जाते हैं श्लोक गीता के, वो जैसे भी प्रवचन करेंगे, कहीं भी बोलने की बात आएगी तो तुरंत भगवद गीता से वो शुरू करेंगे। और अर्जुन भाई ने भी यहाँ बताया, भाई प्रभु ने भी बताया कि पर्वत भाई के समय से और उससे भी पूर्व तुम्हारे बड़े पुरखों में ये गीता के प्रति एक जो लगाव है। मैं जब जब गया हूं आप लोगों के जो व्यवसाय वाले क्षेत्र में, तुम्हारा कारखाने आयो छो त्यारे थे बधाई कारीगरों ने तुम्हें भगवद गीता नो पाठ करावराओ छो, तो फिर मन में ये भाव आया कि ये सेवा धुलकिया परिवार को मिले, और आप लोगों ने बड़े ही प्रेम से, बड़े ही उत्साह से, देखो एक तो वो कथा थी जो आप लोगों ने, भाई सभी श्रेयांश ने और सारी तुम्हारी जो युवा टीम है, यादगार कथा आज भी लोग याद करते हैं, क्योंकि देश विदेश में जितने लोगों ने वो श्रवण किया है उस कथा को आज भी लोग याद करते हैं। तो उस कथा का एक बृहद रूप था, एक फैलाव था, एक बहुत विशाल स्तर पर, और ढोलकिया परिवार के हिसाब से जैसी भव्यता होनी चाहिए उस भव्यता के साथ, और दिव्यता तो कथा की रहती है, तो वो भी उत्सव एकदम यादगार रहा। लेकिन ये कोरोना के COVID-19 के समय के अनुरूप एकदम सीमित लोगों के साथ, लेकिन वैसे ये धारा सीमित नहीं रखनी है, इसलिए टेलीविजन के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों हजारों लोगों तक ये धारा पहुंच रही है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो वैसे एक व्यापक रूप है ही है इस ज्ञान यज्ञ का भी, लेकिन यहां हम सीमित संख्या में एकत्र होकर के इस
सप्त दिवसीय सत्संग का लाभ ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं। स्वयं भगवान नारायण ने पार्थ अर्जुन को जिसका उपदेश किया वो भगवद गीता। अर्जुन शब्द का सीधा साधा अर्थ होता है जो रुजु है, यानी सरल है। सरलता। शिष्य में, श्रोता में योग्यता के लिए कौन सा गुण सबसे विशेष होना चाहिए कि ये गुण हो तो ये श्रोता सुपात्र है, तो उसका जवाब यह है सरलता। सरलता होनी चाहिए। ऋजुता सरलता। ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज पण कहता, साधु थवानी जरूर नथी, सीधा थवानी जरूर छे। जे सीधो ई साधु। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। स्वभाव जनो सरल, मनमा कुटिलता नहीं, जे मळे मा संतोष। साधु पुरुष का लक्षण सरलता। अर्जुन वो है जो सरल। और शायद आप लोग इसलिए याद आए कि स्वर्गस्थ पर्वत भाई में वो सरलता थी। हम तो पर्वत एटले पर्वत नु जे माथी आपणे देशी करणे नु कर्यु एटले पर्वत माथी पर्वत, तो एनी सरलता ही पाछी पर्वत जेवी हती, ऊंची બહુ સરળ। અને તમે બધાએ પાછા ગોવિંદભાઈથી લઈને બધા જ મોટા ભાઈનો આદર એ તે રીતે કરતા। કેટલા વર્ષ થયા બેટા પરબતભાઈ ગયા? એને 4 વર્ષ થઈ ગયા। તો એમણે ભગવદ્ ગીતાનું ખૂબ પારાયણ કર્યું, પરિવારમાં પણ આ પરંપરા ચાલી અને નનકુડી પેઢી સુધી ચાલુ છે। कथा में भी मैं बच्चों से रोज वो पाठ श्लोकों का करते थे। एम करता करता पछी मैं मोटा बता ने ते कीधु के भाई तमे गाओ, छोकराओने तो गवड़ावो छो श्लोको। भाई मोटा है ने एमाय पाछे मने हौथी वधारे तो मजा आवी ए के लक्ष्मी नारायण बे साथे साथे बोलता था, पति पत्नी बधा। જયંતી ભાઈ પહેલી વાર બોલ્યા લગભગ નહી, એને પહેલી વાર કહ્યું, બહુ અચ્છા લગા। તો આજ ભી ઉન બચ્ચો કે દ્વારા જો શ્લોક સંકીર્તન હુઆ, ઓર જિન જિન લોગો ને સુના હૈ વહાં પર ભી, આપ લોગો ને ઝૂમ મેં સુના હૈ, જિન જિન લોગો ને લાઈવ મેં સુના હૈ, ઇન બચ્ચો કો આજ ભી આપ લોગો ને દેખા હોગા કિતને શુદ્ધ ઉચ્ચાર કે સાથ ઇન બચ્ચો ને શ્લોકો કા ગાયન કિયા। તેની તમને બધી જહોદાઓને સૌથી પહેલા વહે તો આ ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ। આ એક પ્રવૃત્તિ લગાતાર તમે જે ચાલુ રાખી છે, શુદ્ધ ઉચ્ચારથી બાળકો, પટેલના છોકરાઓ ખેતરમાં હળ હાંકતા હાંકતા પછી હીરાનો વેપાર કરતા કરતા આખા વિશ્વને ફેંદી નાખ્યું તમે, આખા વિશ્વની યાત્રા કરી, પણ એ કરતા કરતા ઈ ક્ષેત્ર જેમ હતું ને એમાં એ ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવ, અને એમાં કૃષ્ણની વાણી ગીતાના શ્લોકો નહીં તે તમારી આગળની પણ પેઢી યાદ કરે છે। ઈ વસ્તુ જે સંતોષ અને આનંદ આપે અને આમ ગૌરવ થાય એને લઈને વળી પાછી તમારી યાદ આવી કે યે જો હૈ સપ્ત દિવસીય સત્સંગ આપ લોકો કો ठाकुर जी ने वो अवसर दिया, आप लोगों ने ले लिया और आप सब लोग
यहाँ आए हैं सीमित संख्या में, जैसा और भी कल बता रहे थे कि अभी और लोगों को थोड़ी ये उत्सुकता बढ़ी है कि भाई हमको भी आना है, तो हॉल बड़ा है और अपने जो 200 के नीचे नीचे रखनी है संख्या, बस उतना ध्यान रखना है, बाकी वेलकम जरूर। तो हारू थी बता दी करियो जमाइयो वेवाइयो घनश्याम भाई बहु सरस। અને આમ વળી તમારામાંથી ઘણા તો પહેલી વાર આવ્યા હશે ને સાંદીપનીમાં, અત્યારે આમ છોકરાઓ નથી, નહીં તો એવું આમ 2000 તો છોકરાઓ અહીંયા ભણે ને, અને એમાં આટલા બધા ઋષિકુમારો અને વાતાવરણ એવું અમારે ભર્યું ભર્યું લાગે। હમણાં આમ 9 મહિનાથી એ બાબતમાં બધું સૂનું સૂનું છે, 9-10 મહિના થઈ ગયા, હવે છોકરાઓને તે સાંદીપની યાદ આવવા માંડ્યું છે। ઓનલાઈન તો બધું ચાલે, પણ આનો મતલબ શું થાય ખબર ને, કોઈ પણ વસ્તુનો અતિરેક હારો નહીં પછી રજા કેમ ન હોય, રજાએ જો જાજી થઈ જાય તો રજાની મજા ન રહે, રજા સજા થઈ જાય। હાલાકી ધીરે ધીરે જિંદગી પટરી પર આ રહી હૈ, ધીરે ધીરે ઉદ્યોગ ધંધા સબ અપને રફતાર મેં ધીરે ધીરે આ રહા હૈ, તો कथा भी धीरे धीरे अपना रास्ता कर रही है। मोटा मंडप में न थाय तो आवी रीते, बाकी पाणी ने कथा बे पोतानो रस्तो करी ले क्योंकि ये भी कथा गंगा ही है ना, तो गंगा के जल की बात। तो अच्छा लगा कि आप सब लोग इस बहाने यहां 7 दिन रहोगे और हम सब लोग श्री हरि के सानिध्य में आनंद लेंगे। तो अर्जुन को कही गई है गीता, हर कृष्ण अर्जुन को खोजता है, केवल शिष्य को ही गुरु की खोज रहती है ऐसी बात नहीं, गुरु भी अपने आप को उतारने के लिए, अपने आप को किसी के भीतर आरोपित करने के लिए और उसके अंदर फिर प्रकट होने के लिए सुपात्र शिष्य को खोजता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा, अर्जुन इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, जो तपस्वी नहीं है जो भक्त नहीं है उसको ये मत कहना, प्रेमी नहीं है उसको क्या કિંમત ન હોય, અને પ્રેમ હોય તો પછી તપસ્યા, એટલે એના માટે જે કરવું પડે અમે કરશું, બાકી અમને જોઈએ, એનું નામ તપસ્યા। જહા પ્રેમ હૈ વહા વો તપસ્યા, દેખો પાર્વતી કો પ્રેમ શંકરજી મેં થા તો તપસ્યા કરી ના શંકરજી કો પ્રાપ્ત કરને કે લિયે, તપસ્યા उसके लिए प्रेम चाहिए, इसलिए पहले वो भक्त होना चाहिए। इदंते ना तपस्काय न अभक्ताय, बिना प्रेम के तो तपस्या हो नहीं सकती। तो जो तपस्वी नहीं है और जो भक्त नहीं है उसको ये नहीं कहना चाहिए। अपनी देशी संतवाणी में कुपात्रनी आगल वस्तु न वावीए पान भाई, या तो हम जीने रहिए चूत, नहीं तो देखो यहां भगवत गीता में भगवान ने विश्वरूप दर्शन योग 11वां अध्याय अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराया, उसके पहले तो दुर्योधनादि को कराया था, वो विराट रूप दिखाया था, पण कहीं वेळ्यू भयभीत थियो, बांधवा गया था ना खबर, आप कथा जानते हैं, विष्टि के लिए गए थे कृष्ण और फिर कृष्ण को बांधने की कोशिश की इन लोगों ने, और भगवान ने जो अपना विराट रूप, हाँ भाई मने वाहड़ी वगाड़ता आवड़े, गाय उचारता आवड़े, राज करता आवड़े, आज विष्टिकार बनी ने आयो छू, अन तारा जेवा जो वायडा थाता होय तो मने विराट थाता आवड़े, आन जे विराट रूप बतायूं भगवान।
वो दिखाने का, दुर्योधन को दिखाने का भाव अलग था, और यहां अर्जुन को दिखाने का भाव अलग है। तो वो भयभीत हुआ और अर्जुन को भी भय तो हुआ। सगद गदम भीत भीत प्रणम, गदगद है, भीत भय है, लेकिन वो भय आदर में परिणत हो गया और नजदीक हो गया अर्जुन श्री कृष्ण से, और दुर्योधन भय के कारण कि आघर्यो भया न थी दूर हुआ, अर्जुन और समीप हो गया। तो हर गुरु भी शिष्य की खोज में रहता है। अर्जुन को श्री कृष्ण मिले गुरु के रूप में, ये अर्जुन का सद्भाग्य है। लेकिन अर्जुन जैसा जानने वाला, समझने वाला मिला कृष्ण को, ये कृष्ण के लिए भी बड़ी प्रसन्नता की बात है, संतोष की बात है। तो उसके लिए वो अर्जुन हो सरल। अर्जुन कितना सरल है, तमें बताए तो भगवत गीता बहु आख्या की वांची, अर्थ साथे वांची बताए, बराबर ने? घनी वार वांची हशे ने, वांचशो। एमां पहला अध्याय में अर्जुन विषाद योग, बराबर, अर्जुन नुज भाषण छे पहला अध्याय, कृष्ण सांभळे छे, अर्जुन बोले छे, पण सांभळीने पछी कृष्ण भाषण ना अंते ताळियो न वगाड़ी, नहीं तो आपणे प्रवचन पूरु थाय प्रसन्नता थी ताळी वगाड़ीए, न पूरु थाय तो ताळी वगाड़ीए, पण ये ताळी जुदी होय, ओलाने बेहाड़ी देवानी ताळी होय, कि हवे तमे पूरु करो, ए संदेश माटेनी ताळी होय। बाकी नहीं तो आनंद आवे आपणे, तो कोई प्रवचन पूरु थाय पछी आपणे ताळी वगाड़ीने आपणो आनंद प्रगट करीए। कृष्ण अर्जुन नु भाषण सांभळीने ताळी न वगाड़ी, उल्टाना नाराज थया। अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हूँ मोटी मोटी पंडितों जेवी बातु करे, प्रवचन करवा मांड्यो, भाषण आपवा मांड्यो, पंडित एने कहेवाय जे गयेला हो अथवा तो जे जावानु छे, मटी ज जवानु छे एक दिवस, एनो शोक न करे। तू न शोक करवा योग्य नो शोक करे छे। अने मोटी मोटी ज्ञानी वो पंडितो जेवी वातो करे, हे अर्जुन आ तारू ज्ञान नथी, आ तारो वैराग्य नथी, आ तारा हृदयनी दुर्बलता छे, छोड़ा हृदयनी दुर्बलता, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, वोधा लड़वा माटे तैयार था। अबे आवो जे घा कर्यो ने, अर्जुन तो एम मानतो तो कि हमणा कृष्ण राजी थई जाए, कि भाई बहु हारू, लियो कजियानु मोढ़ू काळू करो, अने ओलो तो पांच गामडा देवा तैयार नथी दुर्योधन तो। आ भाई वळी सन्यासी थवानी वातो करवा माड्या, कि गोळ्या पांच गाम नो आपे, पांच गामे नथी जोता, पण आ बधा हगा वाला आचार्यो, मामाओ, भाईओ, गुरुओ, आ बधा हामेना पक्षमां छे, उसको मारना है, उसकी हत्या करनी है, और अपने सगे संबंधियों को मारकर उनके खून से सने हुए भोगों को भोग कर मैं क्या करूं, इससे तो अच्छा है मैं भिक्षा मांग करके पेट भर लूंगा, सन्यासी थवानी बात कर दो।
और श्री कृष्ण ने जो प्रहार किया है, गलत समझ है तेरी, ये तेरा विवेक नहीं बोल रहा है, ये तेरा मोह प्रवचन कर रहा है। इसलिए पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया, नहीं तो विवेक योग न कहते, अर्जुन विवेक योग एवं नाम ना है प्यो। पहलो अध्याय अर्जुन विवेक योग न थी, अर्जुन विषाद योग। और जब श्री कृष्ण ने यह प्रहार किया तो अर्जुन की सरलता देखो, कोई अहंकारी मानस हो ने एने आवी रीते आम कहेवामां आवे ने तो एने बहु खोटू लागी जाय, एना ईगो एनो ईगो एटलो बधो हर्ट थाय, एने बहु खोटू लागी जाय, मने आम कही दीधु लियो, जाहिर मां आम बोल्या, एनो ईगो हर्ट थई जाय। लेकिन अर्जुन ईगोलेस पर्सनालिटी है, एकदम सरलता के साथ कहा, अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर आप मुझे बताइए मेरा कर्तव्य क्या है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वाम प्रपन्नम्। जिसमें मेरा श्रेय हो, मेरा कल्याण हो, मुझे उपदेश करो, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं आपकी शरण में हूं। देखो अभी विराट रूप देखा नहीं है, वो तो आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण दिखाएंगे, लेकिन उससे पूर्व यह आदमी कहता है त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं। और यह किससे कह रहा है अर्जुन, श्री कृष्ण जो कि उसके सखा। साहेब जे आपड़ो फ्रेंड होय ने, मित्र होय, बाजू में बहता होय, गड़ा में हाथ नाखी एक बीजा ना अने आटा मारता होइए, आपड़े एक बीजा ने वहां में धब्बा मारी ने शू यार तू पण आटली आत्मीयता थी वातो करता होय, एना पग पकड़वा अने एने हाथ जोड़ी ने एम केवू के हूँ तमारे शरणे छूं, हूँ तमारो शिष्य, मने उपदेश करो, आ सरल बात नथी। अर्जुन में वो सरलता। अर्जुन एटले आवा सरल हृदय वालो। एटला माटे याद आवे पर्वत भाई, बस मने तो आम मारी यारे ओछा में ओछो वार्तालाप थयो हशे, बराबर ने, आपणे घरे बैठा होय त्यारे क्यारेक रातना वातो थाती होय त्यारे पछी पर्वतभाई त्यां साथे होय, बधा ओछू बोले तो बोले मजा आवती, कारण के सरळतामांथी निकलेला वाक्यो रहता है एमना सरलता। बहु पेलू कह्युं ने कि भगवान ने मेळववा बहु सरळ छे, कठिन नथी। एक बात कहूं घनश्यामदास, पैसा कमावा कठिन छे, भगवान मेळववा बहु सरल छे, पैसा मेळववा कठिन छे, परसेवो पाड़वो पड़े, बहु मेहनत करवी पड़े, केटला वाग्याना वैया जाओ हवारना पोरमां उठीने, अने केटला कलाको काम करो, पैसा मेळववा के एमनेम नथी उभा थता पैसा, बहु मेहनत करवी पड़े, बुद्धि हलावी पड़े, पर भगवान तो मेहनत थी तो मळता ज नथी, वो तो कर्म का फल है ही नहीं ना। भगवान न बुद्धि से प्राप्त होते हैं, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मे दया न बहुना श्रुते न। उपनिषदों ने हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट कहा, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने से ये आत्मा मिल जाती है या आत्मज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा पसीना बहाने से भगवान मिल जाएंगे ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि भगवान क्रियासाध्य नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ब्रह्म अतर्क बुद्धि मन वाणी, चाहे रामचरितमानस हो चाहे अन्य शास्त्र हो, सभी ने यह कहा।
એટલે એ બધી કસરતમાં તો પડવું જ નહીં. તો ભગવાન કેમ મળે? અને ભગવાન કેમ મળે, ભગવાન કોણ એ પહેલા જાણવું બહુ જરૂરી છે. બધાને એમ જ થાય કે બોલ્યો પીતાંબર ધારી મોર મુકુટ બંસી વાળો ઈ નહીં. ભગવાન એટલે આનંદ, ભગવાન એટલે અંદરની શાંતિ, ભગવાન એટલે આંતરિક સુખ. એ કેવું સુખ, એ કેવો આનંદ, એ કેવી શાંતિ કે પછી બાકીની બીજી બધી માથાકૂટ મટી જાય, અંદરથી માણસ એવો તૃપ્ત થઈ જાય એમાં. એ ભગવાન, તમે જો ભગવાનને આનંદ ઘન કહે છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય આનંદ ઘન હે ભગવાન. ભગવાન એટલે પરમ શાંતિ. શાંતાકારમ ભુજગ શયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ. ભગવાન મતલબ પરમ સુખ, અંદરનું સુખ. જો આનંદ સિંધુ સુખ રાસી. રામચરિત માનસ મેં ભગવાન કા નામકરણ કરતે સમય વશિષ્ઠજી ને કહા, જો આનંદ સિંધુ સુખ રાસી. સુખધામ રામ અસનામા. અખિલ લોક દાયક વિશ્રામ. પરમ શાંત વો હે રામ હે, વો ભગવાન. ભગવાનને મેળવવા એટલે આ મેળવવું, બાકી ઓલ્યો જો મોર મુકુટ બંસીધારી આવે ને તો તત્પુરતા તમે હા મૈયા કરી લ્યો, પ્રેમથી એની પૂજા કરો, બે પાંચ દાડા તમે મનોરથ કરો ને છપ્પન ભોગ ધરો, પણ 15 દી પછી રજા માગીને કે તો હવે તમે આરામ કરો, અમે કારખાને જઈ અમારે ત્યાં પાછું એ કામ તો કર્યું જોહે, એમ કરીને જાઓ કે નહીં. એક ધરાર્યો ભગવાન કૃષ્ણ તમારા ઘરમાં હોય, ઉપરને માળે તમે રૂમમાં ઉતારો આપી દો, તો એ પછી કેટલા દી, નહીં કેટલા દી તમે હાંચવો, અને કાઢી તો ના મૂકો, ઠીક છે ભગવાન છે,
પણ પછી તમે રજા તો માંગો છો કે હવે અમે દુકાને જઈએ, અમે કારખાને જઈએ, ઠીક હે ને? તો ભગવાન મતલબ ક્યા? ભગવાન એટલે આંતરિક સંતોષ, આંતરિક સુખ, આંતરિક શાંતિ, આંતરિક આનંદ. અને એ જો જીવનમાં ન હોય તો બાકીનું ગમે એટલું હોય બધું શૂન્ય. એ ભગવાનને મેળવવા માટે સૌથી જે વસ્તુની જરૂર છે, પંડિતાઈ નહીં, પૈસો નહીં, પુરુષાર્થ નહીં, સૌથી વધારે જે વસ્તુની જરૂર છે એ છે સરળતા. ભગવાન કો પ્રાપ્ત કરના કઠિન નહીં હૈ, બહુત સરળ હૈ. ઉસકે લિયે ક્યા કરના હૈ? બોલે સરળતા ચાહિયે. ઓર વો સરળતા હી બહુત કઠિન હૈ આજ કે જો સમય મે. અને અને વ્યવહારમાં તો શું છે ખબર છે? સરળ થવું ને એ પ્લસ પોઈન્ટ નથી, માઇનસ પોઈન્ટ છે. એને ઉલટાને બીજા બધા બચાડો ગણે. અરે બચાડો સીધો માણસ છે યાર, એને નહીં સતાવો. એ બચાડો સીધો, એનું કામ નહીં. એટલે ઘણી વસ્તુ વ્યવહારની બાબતમાંથી તો એને બાદબાકી જ કરી નાખવામાં આવે, એનું કામ નહીં. ઘણા કહી દે તમારા જેવા સીધા માણસનું કામ નહીં આમાં, ક્યોંકિ દુનિયા એસી હો ગઈ. વહા પગ પગ પર કપટ કા આશ્રય, પગ પર પગ પર ખેલ, સરળતા નહીં રહી. તો અર્જુન મતલબ સરળ, સીધા, નિષ્કપટ, નિરહંકાર, એસા વ્યક્તિ. જિસકો ભાઈ માનતા, વૈસે દેખા જાય તો મામા કે લડકે હૈ, ઠીક હૈ? કૃષ્ણ, અર્જુન અને કૃષ્ણ એટલે મામા પૈના. વૈસે દેખા જાય તો મિત્ર હૈ, વૈસે દેખા જાય તો સાળા એ છે. સુભદ્રાને પરણ્યા છે અર્જુન. હવે એને એમ કેવું કે પ્રપન્નમ, તમારે શરણે તમારો શિષ્ય, તમે મને સાચો રસ્તો દેખાડો. શિષ્યસ્તે હમ શાધીમાં ત્વામ પ્રપન્નમ. સરળતા હોય તો જ આ થાય, નહીં તો મુશ્કેલ કામ. સરળતા, પર્વતભાઈની મૂર્તિ જેવી હતી સરળતા. તો એટલે આજ શાયદ ઉનકી વો ભક્તિ, ઉનકી વો સરળતા, ઉસી કે ચલતે उनको याद करते हुए हम सब लोगों को ये सप्त दिवसीय गीता सत्संग प्राप्त हुआ है. भगवत गीता का चौथा अध्याय लेकर के हम चिंतन करेंगे. आप लोगों के पास भगवत गीता हो, पुस्तक लेकर के बैठे हो तो सब लोग खोलें. भगवत गीता अध्याय 4, आइए. છોકરા હોય તો ગાયું, આપણે વળી પાછા બધા ગાયન કરતા કરતા. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. અથ ચતુર્થો અધ્યાય. શ્રી ભગવાન વાચ. ઇમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનહમવ્યયમ. ઇમં વિવસ્વતે યોગમ
प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा वाला अध्याय क्या सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्मयोग, फिर यह चौथा अध्याय। श्री भगवान उवाच। जैसा कि हमने कहा, श्री कृष्ण उवाच कहीं नहीं है, भगवान बोल रहे हैं, भगवत्ता बोल रही है। भगवान ने बच तो एवड़ी होय ने के एमा आखी पृथ्वी शू अनेकानेक ब्रह्मांड हमाई जाए, એને કોઈ પોતાના પરાયા એવો ભેદ નહીં, એ સૌના કલ્યાણ માટે। અરે ખાલી દવા હોય ને, દવા તો દવાને કઈ ભેદ હોય, પણ આપણા શરીર મુજબ આપણને ક્યાંક એલર્જી થાય અથવા એની સાઈડ ઇફેક્ટ્સ હોય, એની આપણને કંઈક અસર અલગ રીતની થાય, પણ દવાને કઈ આપણી અરે દુશ્મની ખરી, એ તો જે લે હવનું ધ્યાન રાખે અથવા તો એ પોતાનું કામ કરે જ। દવા યદી ભેદ નહીં કરતી, ઔષધિ યદી ભેદ નહીં કરતી, તો ભગવાન ક્યું ભેદ કરેંગે? ભગવાન તો સંપૂર્ણ વિશ્વ કે મંગલ કે લીએ જો કહેતે હૈ સો કહેતે હૈ। શ્રી ભગવાન વાચ। भगवान की वाणी इतनी महत्वपूर्ण है कि हमारे यहां जो सनातन धर्म की सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हम प्रस्थानत्रयी कहते हैं, धर्म के क्षेत्र में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी केस हो, तो उस केस का फाइनल जजमेंट हमारे सनातन धर्म की जो सुप्रीम कोर्ट है प्रस्थानत्रयी, उसके पास है। प्रस्थानत्री कौन है? तीन प्रस्थान, वेदाः श्री कृष्ण वाक्याणि ब्रह्म सूत्रस्तथैव च। वेद यानी उपनिषद, वेद, गीता और ब्रह्म सूत्र। આ ત્રણેયના આધારે જે ફાઇનલ નિર્ણય થાય, બસ પછી કંઈ પૂછવા પણ, પછી કંઈ કહેવા પણ, પછી કંઈ જોવા પણ નહીં, ફાઇનલ। તો એમાં શ્રી કૃષ્ણની આ ગીતાને સ્થાન મળ્યું છે। શ્રી કૃષ્ણ વાક્યાની, શ્રી કૃષ્ણ કે મુખ સે નિસૃત યહ ભગવદ ગીતા। શ્રી ભગવાન વાચ। ભગવાન એ શબ્દ આપણે કથામાં પણ ઘણી વાર ચર્ચા કરી હતી તમને લોકોને, તો તમે કથા એવા બધા ધ્યાનથી સાંભળો છો દરેક વખતે જ્યારે પણ સત્સંગ થાય ત્યારે, એટલે યાદ જ હશે। જેની પાસે વિદ્યા હોય એને વિદ્વાન કહેવાય, ધન હોય એને ધનવાન કહેવાય, એમ ભગ હોય એને ભગવાન કહેવાય। આ છ ભગ, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી,
ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अनुशासन एनो प्रभाव वीर्य पराक्रम यश। जे भगवान होय ने एनो यश एवो होय के कां तो तमे एने प्रेम करो ने एनी भक्ति करो ने कां घणा एनी हारे वैर करे। कर्युं ने कंसे वैर कर्युं ने कृष्ण हारे, रावणे वैर कर्युं राम साथे। कां तमे एनो विरोध करो ने कां तमे एना भक्त बनो, प्रेमी बनो, भजन करो, पण तमे एने इग्नोर न करी शको, एनी उपेक्षा न करी शको, एवो एनो प्रभाव, एवो एनो यश होय। तो जो भी जो बड़ा आदमी है, जितना बड़ा होता चला जाएगा उसके उतने समर्थक प्रेमी भी बढ़ते चले जाएंगे और विरोधी भी बढ़ते चले जाएंगे। सरपंच ना जेटला विरोधी होय ने एना करता वधारे तालुका पंचायत नो प्रमुख बने ने एना विरोधी वधारे, एना करता जिला पंचायत नो प्रमुख बने एना विरोधी वधारे, एना करता जो मिनिस्टर बन्यो, एना करता मुख्यमंत्री ने, एना करता प्रधानमंत्री बने तो घणा विरोधी होय। ए प्रभाव छे। एक बोलतो होय घर में तो एने कोई सांभळत नहीं, घरवाळा ना सांभळे, અને એક બોલતો હોય એની નોંધ આખી દુનિયા લે કે આજે એમણે આવું નિવેદન કર્યું, ટીવી વાળા વારંવાર આખો દિવસ ચલાવે એની નોંધ લેવાય। એમાં તો કૃષ્ણના ભગવાનના વાક્યો છે, અમર થઈ ગયા, એક એક વાક્યની નોંધ લેવાની બહોત મહત્વપૂર્ણ। અમુક વસ્તુ અમે આમને આમ બોલીએ, અમુક વ્યાસપીઠ થી બોલાય તો વળી અમુક લોકો એની નોંધ લે, મીડિયા વાળા નોંધ લે કે આમણે આવું કહ્યું, પણ એની તે એક સીમા હોય। કથાકારોને આ લોકો જેટલું કવરેજ આપવાનું હોય એટલું જ આપે, કારણ કે ધાર્મિક માણસો કહેવાય ને, પણ એનો એ વ્યક્તિ જો વડોપ્રધાન થઈને બોલે તો પછી તમે જુઓ એની કેટલી નોંધ લેવાય। એમાં જો આવું કહેવાય કે ભાઈ ગીતા તો રાષ્ટ્રીય ગ્રંથ, શું વૈશ્વિક ગ્રંથ, બધા નોંધ લે નહીં। જેમ માણસ મોટો, જેમ એનો પ્રભાવ વધારે, એમ એના બોલવાની નોંધ વધારે લેવાય, અને એ નોંધ એવી રીતે લેવાય વધારે કે એમાં કેટલાક તાળીઓ પાડીને સમર્થન કરે ને કેટલાક એનો એટલો જ જબરજસ્ત પ્રતિકાર કરે, વિરોધ કરે, બંને રીતે થાય। એ માણસ નાનો એમ સરનામું મોટું, અને માણસ જેમ મોટો એમ સરનામું નાનું, આ સીધો સાધો નિયમ, બરાબર। ગાંધી બાપુ હતા ને તો વિદેશથી ઘણા લોકો પત્ર લખતા, બાપુ પ્રવાસમાં હોય, ક્યારેક અહીંયા હોય ત્યાં હોય, એટલે મહાત્મા ગાંધી ઇન્ડિયા, એટલે પોસ્ટ ખાતું ઇન્ડિયામાં ગાંધી બાપુ જ્યાં હોય ત્યાં ટપાલ પોગતી કરતું, આટલું જ લખવું બહુ થઈ પડે, નહીં તો પાડોશી ઓળખતો ના હોય, અડધું પોસ્ટ કાર્ડ તો સરનામું લખવામાં ભરાઈ જાય, એટલું મોટું સરનામું લખવું પડે। પ્રદીપ પેટ્રોલ પંપની હામે, પોસ્ટ ઓફિસની વાહે, ફલાણો રોડ ને આ તાલુકો નાન તેન, તો એ ઘણી વાર 6 મહિના પછી પોસ્ટ કાર્ડ મળે, બોલો। માણસ જેમ મોટો એમ સરનામું નાનું, અને જેમ તો એની નોંધ લેવાય। શ્રી કૃષ્ણ કે વાક્ય હે ભગવાન વાચ, અરે સ્વયં પ્રધાનમંત્રી યદિ કુછ કહે तो उसका इतना महत्व हो जाता है, एक एक स्टेटमेंट उनके जो आते हैं तो उसका एक वजन होता है। तो
तो यहां तो परमात्मा बोल रहा है। हाँ, किसी देश का प्रेसिडेंट कुछ बोले, अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ कहे, तो पूरे विश्व में लोग उसको यानी नंद लेवाए। तो स्वयं परमात्मा बोले, श्री भगवान वाच। हाजी भगवान वाच ऊपर प्रवचन आले छे। श्री भगवान वाच। तो यशः श्री ही, त्यां दरिद्रता ना हो साहेब। ज्ञान और वैराग्य इन छवों से जो युक्त है वो है भगवान। तो श्री भगवान वाच। चौथे अध्याय में भगवान ने निवेदन किया, इमं विवस्वते योगम अहम् इमं अव्ययम् योगम विवस्वते प्रोक्तवान् विवस्वान् मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत। मैंने इमं अव्ययम् अव्ययम् का अर्थ होता है अविनाशी। मैंने ये अविनाशी योग, देखो जहां जहां गीता में योग शब्द आया है तो अधिकांश आचार्यों के मतानुसार केवल योग शब्द जहां आया हो तो वो कर्म योग ऐसा समझना चाहिए, नहीं तो बुद्धि योग तो ज्ञान की बात है। तो ये जो योग है, ये अव्यय अविनाशी योग, मैंने आरंभ में सूर्य से कहा था, विवस्वते, विवस्वान एटले सूर्य। तो सृष्टि के आरंभ में मैंने यह योग सूर्य से कहा था, विवस्वान मनवे प्राह। विवस्वान सूर्य ने अपने बेटे मनु से कहा था। देखो विवस्वान सूर्य का बेटा मनु, उसका क्या नाम हम कहते हैं, वैवस्वत मनु। ये कौन सा मनवंतर चल रहा, वैवस्वत मनवंतर। तमें हमारे पूजा में बैसो ने तो आ ऋषि कुमार तुमने जो पूजा में संकल्प करावे एमां ध्यान थी हां बढ़ जाओ। श्वेत वाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारत वर्षे भूर्लोक जम्बुद्वीपे। अभी जो कल्प चल रहा है वो श्वेत वाराह कल्प है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, तो अभी जो मनवंतर चल रहा है वो सातवां चल रहा है और उसका नाम है वैवस्वत। ये सूर्य का बेटा है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी से ज्यादा समय बीतता है। 71 चौकड़ी करता वधर, चौकड़ी इतने 4 युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। आ चारे भेगा था ने कहवाय चौकड़ी, चार चतुर्युगी। चतुर्युगी आपने गामडा में घणी वर्त बदन बोलता बहु फावे नहीं, एटले चौकड़ी। एक चौक एवी 71 चौकड़ी करता वधारे समय वीते त्यारे एक मनवंतर था। तो ये जो सातवां चल रहा है अभी वो वैवस्वत मनवंतर है। तो सूर्य का ये बेटा है। तो मैंने सूर्य से कहा था ये योग, कौन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। मैंने सृष्टि के आरंभ में यह योग सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने बेटे मनु से कहा था यानी वैवस्वत मनु को कहा था, और उस वैवस्वत मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु से ये कहा। मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। हे परंतप, हे अर्जुन,
अर्जुन को कहा है परंतप। ये भी मैंने कई बार गीता के प्रवचनों में कहा है कि गीता में आए हुए संबोधन का मनोविज्ञान, ये भी एक अलग विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय हो सकता है ये, कि यहां पर भगवान ने परंतप ही क्यों कहा अर्जुन को, या कहीं पर पार्थ कह करके संबोधित करते, कहीं पर कौंतेय। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को, यानी ये वाला ज्ञान, इस ज्ञान को राजर्षयः विदुः, राजर्षियों ने जाना, समझा, सह योगः महता कालेन इह नष्टः। वही वाला योग बहुत समय बीतने के बाद यहां पर, यानी इस पृथ्वी लोक में नष्ट का अर्थ यहां समाप्त हो गया ऐसा नहीं लेना, क्योंकि योग को अव्यय कहा है, अविनाशी, जो अविनाशी है वो समाप्त नहीं हो सकता, इसलिए नष्ट का अर्थ है नष्ट प्रायसा, ऊपर खाली राख वड़ी गई छे, बाकी अंदर एम ने एम हजी देवता छे, अग्नि देवता, देवता ने अमारी बाजू पाछा हाव गामडम देतवा के, हाव जे गामडा वाला छे देतवा के, जा बलन बहन गिरती देतवा लिया, तो ऊपर खाली राख वाली गई, भीतर वो अग्नि है, नष्ट प्राय सा इस पृथ्वी पर ये योग हो गया, इसलिए अर्जुन अब तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है, इसलिए वही पुरातन योग मैं आज तुझको कह रहा हूं, या तो मैंने तुमको कहा है, इसका उपदेश किया है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम है और उत्तम रहस्य है, यानी गुप्त रखने योग्य है, सबसे कहने की बात नहीं, कई बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, सबसे कह देने की बात नहीं होती, लेकिन तू तो मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, इसलिए मैंने तुझको कहा। ये भगवान के वचन है जिससे चौथा अध्याय शुरू होता है, तीन श्लोक है ये। कुछ बातें इस पर ध्यान देने योग्य है। पहली बात, भगवान ने कहा कि इस योग को सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले मैंने सूर्य से कहा था। प्रश्न उठना चाहिए कि सूर्य को ही क्यों कहा गया? फिर से वही बात, सुपात्र को ज्ञान दिया जाता है। कुपात्रनी आगल वस्तु नवाविये पान बाए, हम जी ने रही है चूप। तो सूर्य में ऐसी सुपात्रता कौन सी है? ये कई बार हम लोगों ने कथाओं में भी चर्चा करी है कि सूर्य नारायण सबसे श्रेष्ठ तीन क्वालिटीज है सूर्य नारायण में, और ऐसी तीन क्वालिटीज जिसमें हो उसी को ये वाला जो कर्म योग है वो कहना चाहिए। पहली बात, नो वेकेशन, आपने रजा हटू मरता हो, सूर्य ने रजा ज पड़ती नहीं, बल्कि सूर्य नो जे दिवस छे रविवार संडे, आपने ई दिवसे रजा राखी, अने जेना नाम थी आ वार नु नाम पड़ू संडे, ते दिवसे आपने रजा राखीए, ई सूर्य क्यारे रजा राखता नहीं, नो वेकेशन। हम लोग तो 8 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा काम करते हैं, फिर आराम करते हैं, रात में हम सो जाते हैं, सूरज ने तो क्या रात पड़े, सूरज ना ऊपर रात पड़े, सूरज ना हिसाबे आपड़े पृथ्वी वाला ने रात पड़े, अपना बदा जो बीजा ग्रहों छे ने रात पड़े,
તે ગ્રહનો જે પાછળનો ભાગ હોય, આ બાજુ સૂર્ય તો ને આજવાળું, પાછળનો ભાગ હોય ત્યાં રાત. પણ જે પોતે જ પ્રકાશનો ગોળો છે, પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, એ સૂર્યના અડધા ભાગમાં રાત ને અડધા ભાગમાં પ્રકાશ, એવું હોય? એને આરામ નથી. સતત કર્મયોગ, નો વેકેશન. આલસ્ય કી બાત હી નહીં, સતત કર્મ. આપણી સૌરાષ્ટ્રની જે લોક સાહિત્યની વાણી છે એમાં, આભના થાંભલા રોજ ઉભા રહે વાયુ નો વીજણો રોજ વાયે, ઉદય ને અસ્ત ના દોરડા ઉપરે રોજ નટ બની ને રવિ રાજમાલે, ભાગતી ભાગતી પડી જતી પડી જતી રાત સૂર્ય ને હાથ ના વે, એમ કર્મવાદી બધા કર્મ કરતા રહે એને ઊંઘવું કેમ ફાવે, એને ઊંઘવું કેમ ફાવે, આભના થાંભલા રોજ ઉભા રહે વાયુ નો વીજણો રોજ વાજે, ઉદય ને અસ્ત ના દોરડા ઉપરે રોજ નટ બની ને રવિ રાજમાલે, ભાગતી ભાગતી પડી જતી રાત સૂર્ય ને હાથ નાવે, એમ કર્મવાદી બધા કર્મ કરતા રહે અને ઊંઘવું કેમ ફાવે, કર્મવાદી બધા કર્મ કરતા રહે એને ઊંઘવું કેમ ફાવે. કેવી બળુકી લોકવાણીની, લોક સાહિત્યની. સૂર્યને ક્યાં વેકેશન છે વાલા? કેવી સરસ ઉપમા, કેવી સરસ કલ્પના કરી કવિએ કે સૂરજ અને રાત એ બે પકડા પકડીની રમત રમે છે. રાત આગળ આગળ ભાગે અને સૂર્યને પાછળ એને પકડવા માટે પાછળ પાછળ દોડે. હિન્દી સિનેમાના ઓલા ગીતોમાં જેમ હિરોઈનની વાહે હીરો ભાગતો એમ, થોડી વાર ઝાડવાની આજુબાજુ બે જણા ચક્કર મારે, થોડી વાર આમ વયા જાય ને આમ વયા જાય, એવા બધા બહુ ગીત આપણે સાંભળ્યા. એમ બંને પકડા પકડીની જાણે રમત રમે છે અને એમાં રાતને ઠેબું આવે ભાગતા ભાગતા, એટલે પડી જાય. અંધારું થાય એટલે આપણે શું કહીએ? રાત પડી. ઠેબુ આવે ને રાત પડી જાય, એ પડી જાય પાછી ઊભી થઈને ભાગે, પણ સૂરજને પોગવા ન દે. સૂરજ અડી શકે રાતને? સૂરજ પકડી પાડે રાતને? ના. ભાગતી ભાગતી પડી જતી પડી જતી, પણ રાત સૂર્યને હાથ ના વે. મેં તુમ્હારે હાથ નહીં આઉંગી ઠેંગા, રાત એસા કહેતી હૈ સૂર્ય. ભાગતી ભાગતી પડી જતી પડી જતી, રાત સૂર્યને હાથ ના વે, એમ કર્મવાદી બધા કર્મ કરતા રહે એહને ઊંઘવું કેમ ફાવે. નો વેકેશન, જેમાં આળસનું નામ ન હોય ને એવાને કહેવાય આ કર્મયોગની વાત. બીજું, દૂસરી ક્વોલિટી જો સૂર્યમાં, નો ડિસ્ક્રિમિનેશન, યાને ભેદ નહીં. સૂર્યનારાયણ જો કુછ કરતે ઉસમે ભેદ નહીં, વો સબકો પ્રકાશ દેતે હૈ. પંડિત હો, મૂર્ખ હો, હિન્દુ હો, મુસલમાન હો, સિખ હો, ઈસાઈ હો, અમેરિકન હો, ઇન્ડિયન હો, યુરોપિયન હો, આફ્રિકન હો, ચાઇનીઝ હો, સભી કો પ્રકાશ દેતા, કોઈ ભેદ નહીં કરતા. સૂરજ કો લોટા પાણી ચઢા કરકે જો પ્રણામ કરે સુબહ સુબહ, આદિદેવ નમસ્તુભ્યમ પ્રસીદ મમ ભાસ્કર, દિવાકર નમસ્તુભ્યમ પ્રભાકર નમોસ્તુતે,
नमस्तवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्म धारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। लोटो पानी चढ़ावे जे सूर्य ने, एने सूर्य प्रकाश आपे, अने जे क्यारे सूर्य ने पूछता न होय पूजता न होय एने सूर्य प्रकाश आपे। सूर्य कभी भेद नहीं करते, नो डिस्क्रिमिनेशन। सतत कर्म करते रहना, भेद रहित होकर कर्म करते रहना, सबका मंगल करना, सबका भला करना, सबका कल्याण करना, सूर्य जीवन देते हैं साहब। इसलिए हमारे शास्त्रों में सूर्य को विश्व की आत्मा बताया गया है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च, जगत की आत्मा है। सूर्य ही ऊर्जा देने वाले, प्रकाश देने वाले हैं, ऊर्जा देने वाले, शक्ति का स्रोत। अरे सूर्य ही स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, आरोग्यम भास्करादिच्छेत, आरोग्य की कामना भगवान भुवन भास्कर से, सूर्य नारायण से करिए। आरोग्य की कामना सूर्य नारायण थी करवी एनो अर्थ है एम नहीं कि आप लोटो पानी चढ़ावी प्रणाम करीन पछी निकली जाओ अने आपणे हाजहार, ई तो करवानुं ज। पण आरोग्यम भास्करात इच्छेत एनो जो तमे गूढ़ अर्थ लियो ने तो एनो अर्थ एम थाय के तमे सूरजना तड़कामां थोड़ो समय दररोज रियो तो तमे हाजा नरवा रहेशो, क्योंकि भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण आरोग्य देने वाले। आजकल सबको देखा जाए तो वो विटामिन डी की डेफिशियंसी निकलती है, पछी वधाराना पाउडर आपे टीकड़ा खाए विटामिन डी ना, विटामिन डी सप्लीमेंट। और हकीकत में विटामिन डी की, जैसे विटामिन बी 12 की कमी रहती है तो भी शरीर में वो ऊर्जा वगैरह नहीं रहती, विटामिन डी की कमी के चलते भी उत्साह का अभाव रहता है, मरेला मरेला रहिए आपणे, आम कहीं करवानो मन ना था। एटले सूर्य नो तड़को बहु जरूरी छे। माक्षर पोहमद नो तापवू, अटाणे तो वालो लागे ज आपणने। क्यां गया बापा, तो आ बैठा बैठा तापे, तड़क्यो ले छे, बाहर खुर्शी नाखीने बैठा। बहुत जरूरी है। मैंने तो ऐसा भी सुना है, ईश्वरा करवा जेवू કેંગ્યો, અચ્છા આ કરવા જેવું અર્જુનભાઈ, તમે બધાએ આપણા પગને, આપણા પગના તળિયાને ભૂમિનો જમીનનો સીધો સ્પર્શ થાય દિવસમાં અડધો કલાક કલાક તો એવી રીતે ઉઘાડે પગે ધરતી ઉપર હાલવું જ, તમારા બંગલાની આરસની ફર્શ ઉપર નહીં, એ તો ખરું જ, જોકે ત્યાં તો બહુ ઉઘાડે પગે ન હાલો એ હારું। અત્યારે આમાં આ બધા દીકરીઓ છે ને એ ઘરમાં તે પછી ઓલા ચપલા પહેરીને, અંદર જે પહેરવાના હોય એ બહાર નહીં પહેરવાના, પણ ઘરમાં જ પહેરવાના એ હોય, કારણ કે ટાઢો બોળ થઈ ગયો હોય આરસ, અને જો હરખી રીતે ચપ્પલ વપ્પલ ના પહેરી રાખો તો થોડા વખતમાં રહોડાય ઊભા ઊભા, હવે તો માણો લગ્નમાં જઈને ખાય છે ઉભા ઉભા, રાંધે ઉભા ઉભા, ખાય ઉભા ઉભા, ઉભા ઉભા હૂતા નથી હજી ઘોડાની જેમ, એટલું સારું એમાં વળી આડે પડખે જ થવું પડે છે। ઉભા ઉભા ફિર કમર દર્દ શરૂ હો જાતા હૈ। तो घर में तो ठीक है, आप कपड़े वाले चप्पल पहन करके या दूसरे चप्पल पहन करके जो चमड़े के ना बने हो ऐसे चप्पल पहन करके घर में घूमो, रसोई में जाओ, रसोई करो, ठीक है।
लेकिन बाहर जमीन पर तुम्हारे पांव, नंगे पांव पड़ते। हमारे यहां ये जो व्रज परिक्रमा करते हैं या तो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो कहते हैं वो उसमें चप्पल नहीं पहननी चाहिए, शूज नहीं पहनना चाहिए, नंगे पांव करो। ये सब जो रिवाज या नियम या मर्यादाएं बनाई है उसके पीछे विज्ञान है। तुम्हारे नंगे पांव को जमीन का स्पर्श मिलना चाहिए दिन में थोड़ा घंटा रोज, यदि स्वस्थ रहना है। और उसी तरह दिन में थोड़ा समय छत से बाहर निकलो और सूरज की धूप लो, शरीर पर पड़ने दो, उससे जो इम्यूनिटी बढ़ेगी तुम्हारी वो तुम्हें स्वस्थ रखेगी, निरोगी रखेगी। तो आरोग्यम भास्कर आदिच्छे ये कहा गया। एनो मतलब खाली कर्मकांड नहीं, लोटो पानी चढ़ावी पशु घर में गड़ी जाओ, तड़क्या में जराय रहू नहीं तो नहीं थाय भाई। सूरजना तड़का में थोड़ो समय रहूज जो ये। अमुक समय नो तड़को, आ लोग जो बता तड़का मैंने काम करता हो, खेतर में काम करता हो, कोरोना एना थी बीवे, कोरोना एम के जाबो ना इसके पास यानी पे नौ जवाय। आरोग्यम भास्कर आदिच्छे, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसका गूढ़ अर्थ समझना चाहिए। तो थोड़ा समय सीधा अर्थिंग मिलना चाहिए, जमीन पे नंगे पांव थोड़ा समय चले, धरती का सीधा स्पर्श मिलना चाहिए पांवों को और सूरज की धूप मिलनी चाहिए। शरीर का कम से कम 45% हिस्सा खुला हो, इस तरह से धूप मिले तो ज्यादा अच्छा है। और रात में चांदनी में, पूर्णिमा की रात में, चंद्रमा की किरणों में आप वो स्किन पर पड़ने दीजिए। पूर्णिमा की रात में चंद्र की किरणें स्किन पर लीजिए, एक कांति। हूं कहवा बेटा तुम्हारी भाषा में, हा तुम्हारी स्किन बहु ग्लो करे, बहु ग्लो करे। आम तुम जगमग थाता हो, चामड़ी एनाथी एकदम सॉफ्ट अने सरस रहे, ग्लो करे। तो चंद्रमा की चांदनी, दिन में सूरज की रोशनी, आपड़े इंडियन आपड़े लोग बहु न लीए कारण के आपने थोड़ी बीके लगे पर काला थी जाए, आपड़े तो हूं फेर एंड लवली। ओला न्या बैठा बैठा विदेशों में ये भगवान ने धोला कर्या छे तो ई तड़कम पीड़िया पीड़िया तापता जो है, ये वाली स्किन ने टैन करे, पछी वधारे पड़तो तड़को है बपोर नो तो ये पण एटलो सारो नथी। तो शरीर नो जे तड़को, सूर्य नो जे तड़को शरीर माटे सारो छे, ये समय थोड़ो समय सूरज की रोशनी में, सूरज की धूप में तापना आरोग्यदायक है। तो सूर्य नारायण आलोकित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, सूर्य नारायण ऊर्जा से भरते हैं, सूर्य नारायण आरोग्य प्रदान करते हैं। और ये सब करते हुए नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेद नहीं। तमें ने मानो न मानो, नमन करो न करो, लोटो पानी चढ़ाओ न चढ़ाओ, सूर्य नारायण तो बधाने प्रकाश। तो नो वेकेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, तीसरी बात नो एक्सपेक्टेशन।
सूर्य नारायण जो भी करते हैं बदले में तुमसे कुछ भी नहीं चाहते, तुमसे कोई अपेक्षा नहीं। ये तीन बातें जिसमें हो वो सुपात्र शिष्य है इस वाले योग के लिए। चौथा अध्याय इसलिए लिया है कि हम गृहस्थों के लिए है, ये तीसरा अध्याय भी चौथा अध्याय भी दोनों में कर्म की बात है, दोनों में थोड़ा भेद है, वो क्या हो उसकी चर्चा करेंगे। एक में थ्योरेटिकल है, बताया गया है योग के विषय में, और दूसरे में योग प्रैक्टिकल अपने डे टू डे लाइफ में कैसे उतारा जाए इस योग को, इस ज्ञान को क्रियात्मक कैसे बनाया जाए उसकी बात कही गई है। तो भगवान सूर्य ने सूर्य को सृष्टि के आदि में यह योग बताया गया था। सूर्य ने फिर अपने पुत्र मनु को, वैवस्वत मनु को बताया, मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को, और इस तरह से परंपरा से चलता रहा ये ज्ञान, ये विद्या, ये विज्ञान। कैसा है ये योग? राजर्षि इमं राजर्षयो विदुहु, इस योग को राजर्षियों ने जाना। देखो ये सब राजर्षि, तीसरे अध्याय में भी राजर्षि जनक की बात का उल्लेख किया है भगवान श्री कृष्ण। कौन सा वो श्लोक है? श्याम भाई ढूंढो, ट्वेंटीज में कहीं श्लोक है वो, जहां जनक जी की बात आती है। बीसवा हाँ, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो जनक जैसे जो सब राजर्षि है, वहां जनक की बात आई तीसरे अध्याय में, और यहां जनक के साथ साथ ये मनु, इक्ष्वाकु इत्यादि की बात आई। इमं राजर्षयो विदुहु, राजर्षियों ने इस योग को जाना। जो भाई मुक्ति माटे थई ने बदाए साधु थवू पड़े ने संन्यास लेवो पड़े एवं नथी। गृहस्थाश्रममां रहेनारा मुक्त न थई शके, बिल्कुल थई शके, एटला माटे जा छे आ योग, आ युक्ति, ये फंडा इसी के लिए है। तो पछी हूँ पछी 50-55 वर्षमां हजी आपणो कहीं गृहस्थाश्रम ज हालतो होय अने एमां को गुजरी जाए तो हूँ मुक्ति माटे थईने तमारे 90 वर्षना थावू ज पड़े एवं छे? તો પછી નાની ઉંમરમાં શંકરાચાર્યજીની જેમ સંન્યાસ લઈ લે એને જ તે મુક્તિ મળે એવું છે? ના, બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ મેં રહેતે હુએ ભી તુમ મુક્ત હો સકતે હો, ગૃહસ્થ મેં રહેતે હુએ ભી તુમ મુક્ત હો સકતે હો, વાનપ્રસ્થ મેં પહોંચો તો વહાં પર ભી તુમ મુક્ત હો સકતે હો। એસા નહીં કે સંન્યાસી કો હી મુક્તિ મિલતી હૈ। राजर्षियों का ये जो योग है, इमं राजर्षयो विदुहु, मतलब इस योग को राजर्षियों का ही है, ऐसा नहीं सभी गृहस्थियों का। इस योग को राजर्षियों ने जाना, समझा। इमं राजर्षयो विदुहु, ये अर्जुन को क्यों कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? क्योंकि अर्जुन संन्यास की बात कर रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना, इससे तो अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं, साधु बन जाऊं, पांच घर की भिक्षा मांग करके पेट भर लूं।
नो नो तेरे लिए ये नहीं है। एमा हूं छे भाई अर्जुन, ये अर्जुन नुज आपड़े अर्जुन छे। मेन तो अर्जुन ने, पछी आपड़े आपड़ी भाषा में अर्जुन। एमा शू छे कि अत्यारे जो तू संन्यास लेवानी वात करीश ने तो भगवा कपड़ा पेरी लीधा थे, भेख लई लीधो, पछी जंगल में जाए ने तो आम हाथ में लेवी जोई माळा, पण क्यांक मृगला बृगला जोया ने ते हणक्या तो तू आजूबाजू में धनुष बाण शोधीश, अथवा तो कोके कांक एवं कंई करी नाख्यू अथवा कोई एवं बोली नाख्यू तो तारू क्षात्र लोही गरम थई जाए, हथियार शोधीश। हजी तारा में रजोगुण छे एटले एम संन्यास लेवानी वात करी मां, ए तारा माटे नथी। आ राजर्षि वाला जो योग है वो है तेरे लिए, तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है, इसलिए तुझे ये समझा रहा हूं, तू इसको समझ। जनक इत्यादि सभी राजऋषि है, गृहस्थ में रह करके वो अपना कर्म करते हुए, अपना कर्तव्य कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए। ई पछी जनक जी ए संन्यास लीधो, संन्यास लीधा पछी एनु नाम बदलाई गयू अने स्वामी जनकानंद जी, एवं क्या सांभळ्यु तमे? કે સ્વામી વિદેહાનંદજી એવું નામ પડ્યું સંન્યાસમાં પછી એનું, સ્વામી વિદેહાનંદજી, ગુરુ અષ્ટવક્રાનંદજી વગેરે વગેરે, એવું ક્યાંય ક્યાંય આવે છે શાસ્ત્રમાં? ના, તો જનક તો ગ્રહસ્થ મેં રહેતે હુએ ભી મુક્ત થે, એસે મુક્ત થે સાહબ, એસી ઊંચી ભૂમિકા થી ઉનકી कि सुखदेव जैसे लोगों को उनके पास ज्ञान लेने के लिए जाना पड़ता था। इस योग को राजर्षियों ने जाना, समझा, और गृहस्थ में रहते हुए भी अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए, अपने क्षात्र धर्म का निर्वाह करते हुए, एक राजा के रूप में उनका जो फर्ज है प्रजा के प्रति, धरती के प्रति, धर्म के प्रति, वो करते हुए, अदा करते हुए उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया। इमं राजर्षयो विदुः, ये परंपरा से प्राप्त योग। परंपरा से जो बात चली आती रहती है तो उसमें कहीं ना कोई कोई एक दम वाली बात हो जाती है कि कुछ तो है, तब तो क्या है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी वरना जमाना, कुछ है वो शेर है कि जमानों से वो दुश्मन रहा है वो जमाना हमारा, ऐसा कुछ है कि कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और बीजी बात ही छे भाई चंद्रेश भाई, કે ટાઢોડું બહુ થઈ ગયું છે, ટાઢ ભાઈ આ શિયાળામાં તમે થોડુંક આ એસી બેસી થોડુંક ઓછું કરો, કા ઠંડી લાગે? હા એવું છે, થોડું ઓછું કરો બધું, એટલું પાવરફુલ છે ને અહીંયાનું કે આ તો હજી ફૂલ ફૂલ કેપેસિટી તો હાલતું જ નથી, આ ઉનાળામાં ક્યાં હે વો? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौर ए जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। तो ये योग भी परंपरा से प्राप्त है, इसलिए वो चीज जो है वो एक के भाई निवड़ेली वस्तु, निवड़ेली, हाँ अपनी भाषा में निबड़ेली वाच, लेकिन इस समय में थोड़ा नष्ट प्राय सा हो गया है। कृष्ण कहते हैं
योगो नष्ट परंतप, नष्ट प्राय सा होने लगा, इसलिए नहीं तारा जो साधु थवानी बात करे बोला माणो अभी बात था अवकराय गांडो थियो छे तू, लगता है नष्ट प्राय सा हो गया है, लेकिन मैं तेरे माध्यम से इसको पुनः जीवित करने की इच्छा रखता हूं, इसलिए तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है। अतः ये बड़ा उत्तम जो रहस्य है वो मैं तुझको कहता हूं, कहकर के भगवान ने ये शुरुआत में निवेदन किया। चौथे अध्याय की पीठिका एक तैयार हुई। पछी अर्जुन भाई बच्चे, अर्जुन भाई आ गीता वाला अर्जुन भाई ये बच्चे प्रश्न करे छे अने भगवान एना जवाब में जे आगळ कहे छे वो चर्चा हम कल करेंगे। आइए, तमने मजा आवे छे ने, गीता अघरी तो नथी पड़ती ने, बने एटला एकदम सरल थाय एवी, अने कारण के आपड़ा माटे छे, तमारा जेवा माटे एटला माटे कहू छू भाई, गोविंद काका ने राजर्षि एवोर्ड आप्यो छे आपणे आज मंच उपरथी, એટલે ઇમમ રાજર્ષયો વિદુહ, આ યોગ ને રાજર્ષિઓએ જાણ્યો અને રાજર્ષિઓમાં પરંપરાથી આ યોગ હાલ્યો આવે છે, એટલા માટે તમને ખાસ કહેવું પડે ને, તમે લોકો તો બધા કહેવું પડે બરાબર, એ પ્રમાણે જ જીવો છો, તો એ એક એક આનંદ છે, એ વાતનો સંતોષ છે। કલ આગે ચર્ચા કરેંગે, આઈએ કુછ મિનિટ ભગવાન નામ કા આશ્રય કરેંગે ઓર ફિર આરતી। હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ, 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 ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ
सदगुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सभी को प्रेम प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी वाणी प्रासादिक बनकर हम सभी के कर्ण रंध्र तक पहुंच रही है। अब हम निराजन करेंगे। आरती माटे मंच पर पधारवा विनंती करू छू। भगवदिया वालीमा साथे प्रभु भाई, रीनल बेन, मोक्षी बेन, प्रेक्षी बेन, नीव भाई, दीव भाई अने अक्षमा बेन। खूब झड़प थी आप सौ जेमना नाम बोलू ए आरती माटे आवी जशो। आप सौ पूज्य भाई श्रीना जमणी बाजू तरफ उभा रही अने आरती करशो। अपने डिस्टन्स पण मेंटेन करशो अहींया मंच पर। अने साथे ईश्वर भाई, अर्जन भाई, कृष्णाबेन, ध्रुवल भाई, ध्रुव भाई, वामाबेन, द्रोण भाई अने शान भाई, आप सौ डाबी बाजू तरफ व्यासपीठ थी डाबी बाजू तरफ उभा रही अने आरती करशो। ઝડપથી પરિવારજનોને વિનંતી, આરતી માટે મંચ પર આવી જશો। શ્રી યોગેશ્વર ભગવાન કી જય। ઓમ સીમાબેન અને ભગવત ગીતે મૈયા જય ભગવત ગીતે હરિ शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी।
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरिः ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अर्णाकं महिमानः सजन्त जद्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाः। नाना सुगन्ध्य पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि प्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलम्। भूरभुवः स्वः श्री योगीश्वराय नमः। चरण कमलयोर्मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थयेत वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वः श्री योगीश्वराय नमः। प्रार्थना पुरुग्रंथ कोटिवारं नमस्कारां समर्पयामि। श्री योगीश्वर भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये परिवारनी दीकरी स्नेहाबेन अने क्रिशल कुमार एमनी आजे लग्न तिथि छे। तेओ खास ए अवसर पर पूज्य भाईशीना आशीर्वाद ग्रहण करवा माटे अहींया पधार्या छे। एमने विनंती खूब ज झड़पथी आप मंच पर आवी जशो अने पूज्य भाईशी पासे आशीर्वाद ग्रहण करशो। स्नेहाबेन अने क्रिशल कुमार बन्ने अपने सौ तालियों ना नाद वड़े इमने अभिनंदन पाठीशू। बराबर 7 वागे श्री हरि मंदिर मा भगवान श्री हरि नी आरती थशे। अपने सौ बराबर 7 वागे श्री हरि मंदिर मा आरती माटे पहुंचीशू। आवती काले सवारे अपना परिवार द्वारा श्री हरि मंदिर में भगवान श्री शालिग्राम नु पूजन अर्चन संपन्न करवामां आवशे। जेनो समय 9:30 वाग्यानो छे। तो आप सौ समयसर त्यां पण लाभ लेवा माटे जई शको छो। अने प्रतिदिन अपना प्रवचन नो समय सांजे 3:30 થી 6 વાગ્યા सुधीनो छे। 3:15 વાગ્યા थी अपने सौ साथे मळी श्रीमद भगवद गीता ना 12 અને 15 અધ્યાય नो पाठ करीशुं। सौने जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, सौने प्रणाम। माला या छवि की बलहारी, या छवि की बलहारी जय माधव। सापुतारा यह शब्द सुनाई पड़ते ही सबके मानस पट पर सौंदर्य से भरपूर एवं प्रकृति के आंचल में बसे हिल स्टेशन की कल्पना उभरने लगती है। गुजरात सरकार ने 2010 में देहाती विस्तारों में जो स्कूलें शिक्षण कार्य कर रही थी उसका सर्वे कराया तो मालूम हुआ कि देहातों की स्कूलों के बिल्डिंग की हालत बहुत ही खराब है और जिस तरह से शिक्षकों के द्वारा शैक्षणिक प्रक्रिया चल रही है उसके कारण विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाई के लिए आदर्श वातावरण प्राप्त नहीं हो रहा और स्कूलों में उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही थी। इस कारण गुजरात सरकार ने ऐसी बीमार स्कूलों का संचालन कोई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट
जिसे शैक्षणिक संस्था के संचालन का अच्छा अनुभव हो उसे सौंपने की नीति बनाई और इस नीति के अनुसार वर्ष 2011 में गुजरात की तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्रीमती आनंदीबहन पटेल ने पूज्य बायश्री के समक्ष सापुतारा के आदिवासी विस्तार की निवासी माध्यमिक शाला के संचालन को सौंपने की तत्परता जताई और पूज्य बायश्री ने इस प्रस्ताव पर गहन चिंतन के बाद आदिवासी बच्चों के सर्वांगी विकास के लिए प्रस्ताव को स्वीकारने का निर्णय लिया। पूज्य बायश्री का यह मानना है कि आदिवासी बच्चे अपनी संस्कृति और भारतीय संस्कारों के समन्वय के साथ पढ़ाई करने का वातावरण प्राप्त करेंगे तो वो भी विश्व विकास के कार्य में अच्छा सहयोग देने की क्षमता रखते हैं। श्री भारतीय संस्कृति संवर्धक ट्रस्ट ने वर्ष 2011 में जब गुजरात सरकार से यह माध्यमिक स्कूल का संचालन स्वीकार किया तब वहां कक्षा 9 और 10 में 96 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। जब शाला का संचालन सुदृढ़ तरीके से चलना शुरू हो गया तो ट्रस्ट ने यह सोचा कि इसी संकुल में प्राथमिक विभाग की शाला को भी शुरू किया जाए और इसके अंतर्गत कक्षा 6, 7 और 8 के अभ्यासक्रम शुरू किए गए और उच्च माध्यमिक विभाग की कक्षा 11 और 12 के लिए आर्ट्स एवं कॉमर्स की शिक्षा शुरू की गई। साल 2014 में प्रथम यहां तापड़िया परिवार के अनुदान से भोजन गृह बनाया गया। अमेरिका स्थित श्री विद्या विकास चैरिटेबल ट्रस्ट के अनुदान से कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण किया गया। गुजरात की तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबहन पटेल के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ। पंद्रह जून 2018 को संस्था के ट्रस्टी श्री तुषारभाई जानी के मुख्य प्रधान से और अन्य दाताओं के सहयोग से मिले हुए अनुदान से स्कूल के मुख्य बिल्डिंग का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी एवं मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबहन पटेल के कर कमलों से हुआ। आदिवासी छात्रों को निःशुल्क आवास, निवास, भोजन और शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम्य विस्तार में आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए इस यज्ञ में पूज्य बायश्री के साथ जुड़ने आप भी आमंत्रित हैं। सापुतारा सांदीपनी विद्या संकुल में विद्या अभ्यास कर रहे आदिवासी विद्यार्थी को स्पॉन्सर करने सेवा सहयोग के लिए संपर्क करें। भारत में श्री भरत दवे +91 99251 96353, यूके ब्रिटेन में श्री भावित मेहता +44 796 197 6669, यूएसए में श्री अशोक भाई मेहता +1 973 334 7107।